वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न सिलाई क्लासेस। आज मैं आप लोगों को डिज़ाइन वाले आस्तीन बताने वाली हूँ। देखिए, इस तरह हम कपड़े को लेंगे और फोल्ड कर लेंगे। देखिए, कपड़े की लंबाई है 12 इंच। हमारे जो स्लीव्स है वो हाफ़ है, वो हमें 6 इंच आना है। और कपड़े की जो चौड़ाई है हमने 9.5 लिया हुआ है। तो ये कपड़े की लंबाई इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है क्योंकि हम इस पर मोड़कर सिलाई लगाएंगे। इस तरह मोड़कर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद ही हम इस पर स्लीव्स कट करेंगे। देखिए, इसमें इस तरह फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। देखिए, 2 पॉइंट कपड़ा फोल्ड होना चाहिए अंदर की तरफ। इस तरह हम हर 2 इंच पर एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए, ये इस तरह ओपन हो चुका है। अब फिर हम इसमें 2 इंचेस को छोड़कर फिर सिलाई लगाएंगे। हर 2 इंचेस पे हम इस तरह टिक भी डाल ले सकते हैं। देखिए, हर 2 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। अब इस तरह हम फिर से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते वक्त 2 पॉइंट कपड़ा हमारे को अंदर की तरफ रखना है। ये देखिए, हमारी इस तरह सिलाई लग चुकी है। अब इसे हम इस आस्तीन को हम अब कट कर लेंगे। हमारा आस्तीन का जो भी साइज है, ये सिलाई लगने के बाद हम आस्तीन को कट करेंगे। देखिए, आस्तीन की लंबाई है, रेडी आस्तीन आना है 6 इंच, लेकिन आस्तीन की जो लंबाई में हमें माया लेना है वो 1.5 इंच है। देखिए, नीचे की तरफ 7.5 और ऊपर की तरफ 1 इंच का मैंने टिक कर लिया है। अब नीचे की जो चौड़ाई है, रेडी 5 इंच आना है, उसमें 1.5 इंच माया लेकर 6 इंच हमने कर लिया है, निशान लगा लिया है इसे। और ऊपर से 3.5 इंच पर भी हम इस तरह एक निशान लेंगे। और शेप हमारा 9 इंच है, इस तरह हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इन दोनों को हम मिलाते हुए कट कर लेंगे आस्तीन को। इस तरह हमारा आस्तीन कट हो चुका है। सिलाई लगने के बाद ये आस्तीन इस तरह दिखता है। सिलाई लगाने के बाद ही हमें आस्तीन को कट करना चाहिए, वरना आस्तीन छोटा हो जाता है। अब हम हर 1.5 इंच पर इसमें निशान लगा लेंगे। हर 1.5 इंच पर हमें सिलाई लेना है। देखिए, हर 1.5 इंच पर हमारा निशान लग चुका है। अब हम एक सिलाई को ऊपर की तरफ लेंगे और एक सिलाई को नीचे की तरफ। सिलाई के बाद इस सिलाई को हम ऊपर की तरफ लिए हैं, अब दूसरी सिलाई हम नीचे की तरफ लेंगे। देखिए, ये सिलाई हमने इस तरह ऊपर की तरफ ली थी, अब दूसरी सिलाई हम नीचे की तरफ लेंगे। देखिए, ये जो हमने इस तरह की सिलाई लगाई हुई थी, उसका जो फेस है वो नीचे की तरफ आना चाहिए। देखिए, हर सिलाई को हमें पलटी कर कर लेना है। अब हम कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लेंगे और इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे और दूसरी सिलाई नीचे की तरफ। इस तरह हम पूरे आस्तीन को सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमारी पूरी सिलाई लग चुकी है। एक सिलाई नीचे की तरफ, एक सिलाई ऊपर की तरफ, इस तरह करते हुए पूरी सिलाई हमने आस्तीन में लगा ली है। अब हम नीचे की तरफ फोल्ड करके सीके से लेस लगाएंगे। हम इसे उल्टी तरफ करके सिलाई लगा लेंगे नीचे की ओर। नीचे की तरफ हम लेस लगाएंगे।
ये नीचे की तरफ लेस लग चुकी है। अब हम ये जो भी सिलाई थी इसमें मोतियों को टाक देंगे। देखिए इस तरह की गोल्डन कलर की मोती लेकर अब हम इस हर सिलाई पर जो भी हमने इसे चून बनाया हुआ इसे इस पर टाक लेंगे मोतियों को। देखिए इस तरह। पीछे की तरफ सुई को लेते हुए हमें इस तरह हर मोती टाकते हुए घीटी लेना है। फिर बगैर तागा तोड़े हुए हमें पीछे की तरफ से इस तरह लेकर पूरे आस्तीन में मोती को लगा लेना है। देखिए इस तरह मोती को मजबूत करने के लिए टाके को इसमें फिर एक बार दोबारा हमें टाकना चाहिए जिससे कि हमारी मोती निकलती नहीं है। देखिए हमने पूरी मोतियों को टाक लिया है। हमारा आस्तीन अब रेडी है। ये हमारा डिज़ाइन वाला आस्तीन है। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।